नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। गुजरात निकाय चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा के बीच रविवार को 6 नगर निगमों के चुनाव के लिए 42% मतदान दर्ज किया गया। लेकिन ऐसे में भी अपने अधिकार के प्रति लोग कितने जागरूक हैं, यह अहमदाबाद में देखने को मिला। दरअसल अहमदाबाद के नारायणपुरा इलाके में शादी करने के बाद दूल्हा दुल्हन ने सबसे पहले अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और वोट देने पहुंच गए और उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता प्रणव सिंह राजपूत ने। जी हाँ, मैं हूँ प्रणव सिंह राजपूत और आप देख रहे हो न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं यहाँ पर एक जो वोटिंग बूथ है वहाँ पे आके खड़ा हूँ, जो नारायणपुरा इलाका में है। वहाँ पे सीधा ही शादी जैसे पवित्र बंधन में जुड़ते हुए सीधा उनका जो अधिकार है वोट देने का, वो अधिकार पूरा करने के लिए यहाँ पे जो जोड़ा है, जो शादी से बंधा हुआ, वो आज मेरे साथ है। और जो दूल्हे राजा है और दुल्हन जी है, काफी सजे धजे दिखाई दे रहे हैं और न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम के साथ सीधी बात करने जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कैसा महसूस कर रहे हैं? सीधा ही आज आपकी शादी भी है और एक पवित्र रिश्ते में जुड़े हुए हैं और आप एक वोटिंग का आपका अधिकार भी है, वो निभाने के लिए आप सीधा शादी के बाद सीधा ही इधर रुक किया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है ये वोट डे के, मेरे को भी अच्छा लगता है। एक वोट भी मान्य लगता है कोई किसी को जिताने के लिए, किसी को हराने के लिए। उसकी वजह से हमने सोचा था कि भाई थोड़ा प्लानिंग फास्ट करेंगे, उसके टाइम के हिसाब से चलेंगे तो टाइम के पहले पहुंच जाएंगे, वोटिंग बंद होते हैं उसके पहले। तो हम डायरेक्टली भगवान के मंदिर जाके घर पे जो विधि होती है वो खत्म करके तुरंत यहाँ पे आ गए। जिस तरह से दुल्हन भी मेरे साथ जुड़ गई है और काफी सहानी दिख रहे हैं और काफी अच्छी तरह से सजी धजी हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से सीधा शादी के बाद सीधा ही रुक किया है वोट देने के लिए, जो आपका अधिकार है, सभी का अधिकार है वोट देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? आज आपका अच्छा दिन है और आज शुभ दिन है। ये मेरे लिए बहुत बेहतर मौका है और मेरे लिए लाइफ टाइम रिमेम्बर वाला मोमेंट है कि ये हमारा अधिकार है और हमने एनी हाउ ये कंप्लीट किया है। दोनों वोटिंग के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या अधिकार जो हमारा है, एक वोट देना अधिकार है, जनता को क्या मैसेज देंगे? जिस तरह से आप शादी के साथ सीधे अच्छे बंधन में जुड़ के सीधे वोट करने आए, क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? किस तरह से ये वोटिंग का अधिकार आपको बताना है? ये हमारा एक हक है और हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हर एक पर्सन को ये फॉलो करना चाहिए। ये मैं बहुत रिक्वेस्ट से सबको कहती हूँ कि सभी को वोट देना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे दूल्हे जी? बस सेम सर, ऐसा ही कुछ कि जैसे हर कोई बंदा वोट देगा तो हर कोई, जैसे कोई पॉलिटिक्स में कोई भी होता है तो कोई भी पक्ष में एक दो वोट से भी कभी कभार हार जाते हैं, ठीक है, तो उसको उस टाइम पे वो दो वोट है वो बहुत मुश्किल घड़ियों से भी पार निकल सकते हैं, ठीक है। तो उसकी तरह से सबको खुद का वोट देना चाहिए, भले किसी भी काम में बिजी हो या कुछ भी हो, बट टाइम लेके 10 मिनट का काम है, ज़्यादा दूर होता नहीं है, जनरली सबके घरों के नज़दीक ही होता है। तो जैसे ही कभी वोटिंग आता है तो उस टाइम पे अपने घर पे ही रहिए, तो उसके वजह से नज़दीक में जाके आप वोट भी दे सकते हैं। जी हाँ, ये जो दूल्हा दुल्हन है उन्होंने काफ़ी सराहनीय बात मीडिया के सामने रखी है और काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने सामने रखा है कि वोट देना हमारा अधिकार है। किसी भी तरह से कोई भी जंगल में आप फंसे हुए हैं, लेकिन वोट देने का जो टाइम है वो टाइम निभाना चाहिए और वोट देना चाहिए, क्योंकि कभी कभार एक वोट से भी कोई पार्टी हारती है और जीतती भी है। इस तरह से वोट देना अधिकार, जो अभी नई नई शादी करके एक पवित्र बंधन में जुड़ने के बाद ये जो दूल्हा दुल्हन यहाँ पे वोट करने के लिए आए हैं। मैं प्रणव सिंह राजपूत, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, गुजरात।